नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज आपके सामने जिस बिजनेस को लेकर हम आए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लगातार हमारे को क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि हमें कॉपी किताबों के बिजनेस के बारे में बताइए और साथ ही बताइए कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो आज हम विजिट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि कॉपी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके तमाम पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अगर आप छोटे लेवल पर ये बिजनेस शुरू करना चाहें तो क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। तो अगर आप भी ये बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरह के और वीडियोस बिजनेस को लेकर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए, तो अब हम पहुंच चुके हैं तरन्नुम कॉपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बिजी लग रहे हैं, और ओनर हैं इस यूनिट के विपुल सिंगल। विपुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विपुल। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आपको कितने साल हो गए इस बिजनेस में? अप्रोक्सीमेटली 25 ईयर्स। मैं 25 ईयर्स का ही, इससे पहले मेरे फादर करते थे। तो मतलब क्योंकि आपने वो बिजनेस लिया है जो आपके फादर करते थे, तो जाहिर तौर पर कुछ मुनाफा हो रहा होगा, इसलिए आपने ये करने की सोची। तो कितने परसेंट मान के चलूँ कि आपको इस बिजनेस में मुनाफा हो जाएगा? 10-15%। कितने वर्कर्स हैं आपके इस मिल में? हमारे पास 9 जने हैं। तो महीने का कितना पूरा खर्चा मशीन्स को लेकर, वर्कर्स का खर्चा कितना हो जाता है? 50-60,000। उसके बाद प्रॉफिट आपने बताया 15-16% का हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ छोटे बिजनेस के लिए, अगर स्टेशनरी का कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल है। अगर कोई शुरू करना चाहता है बिजनेस तो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 लाख के बीच में शुरू हो जाता है ये, तो स्टेशनरी का बिजनेस। बाकी मैनुफैक्चरिंग यूनिट है, उसके लिए आपको 20-25 लाख रुपये चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। मशीन अप्रॉक्सीमेटली 15-16 लाख के बीच में आ जाती है सारी, बाकी डिपेंड करता है किस टाइप का आप बिजनेस लगाना चाहते हैं। मशीन तो इसकी 2.5 करोड़ की भी है। अच्छा। वो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है। लेकिन अगर किसी को इनिशियली शुरू करना हो तो आपको लगता है कि 10-15 लाख का कम से कम आपको चाहिए। ये सीजनल बिजनेस है या 12 महीने? 12 महीने मेन सीजन इसका 3 महीने का होता है, जनवरी टू मार्च, क्योंकि उस टाइम सेशन चेंज होता है, बच्चों का स्कूल, नई क्लासेस लगती हैं, तो उस टाइम नई नोटबुक्स लगती हैं। रिस्क फैक्टर कितना है इस बिजनेस को? रिस्क फैक्टर तो कुछ नहीं है, रिस्क फैक्टर तो हर एक बिजनेस में होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसकी लोकेशन मैटर नहीं करती, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो लोकेशन मैटर करती है। किसी तरह का कोई लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं, लाइसेंस कोई नहीं है सर, इसके लिए GST, गवर्नमेंट से GST नंबर्स वगैरह हैं, जो लीगल काम करने के लिए आपको लीगल वो चाहिए होते हैं, तो GST नंबर्स वगैरह हैं बस, और तो कुछ नहीं। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई लोन है इस बिजनेस के लिए? हाँ जी, खादी के थ्रू होता है लोन, खादी सपोर्ट करता है, उसमें सब्सिडीज भी देते हैं वो। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो इस बिजनेस को इनिशियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, जो छोटे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं? शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं, एवरग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने वाला बिजनेस है, खराब होने वाली कोई चीज नहीं है हमारे पास, पेरिशेबल कुछ नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं जो भी चाहते हैं। तो आप जैसे स्कूल्स के साथ डील करते हैं? हाँ जी, स्कूल्स के साथ भी है, ज़्यादा हमारे पास वेंडर्स हैं, मतलब शॉपकीपर्स हैं। अच्छा, आपको जाना पड़ता है शॉपकीपर के पास, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, तब वो लेते हैं। ऑनलाइन आपने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन बढ़ा रहे हैं, पर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं चलता, क्योंकि इसमें क्वालिटी, बच्चा क्वालिटी देख के लेता है। अच्छा, आप जाते जाते आप मुझे जल्दी से कुछ बिजनेस टिप्स बता दीजिए। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, अपना चलेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, और रिस्क से ना डरो। तो ये थे विपुल, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ओनर, जिन्होंने 25 साल से ये यूनिट चल रही है। पहले इनके फादर संभालते थे और अब इनके फादर कह रहे हैं कि वो रिटायरमेंट एज में पहुंच गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने लड़के को ये बिजनेस थमा दिया है। और जैसा कि विपुल ने कहा कि किसी भी बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर तो ज़रूर होता है, तो ध्यान रखिए रिस्क की इतनी चिंता ना कीजिए, बस ईमानदारी और मेहनत, और जो चीज़ है सबसे ज़रूरी, आपकी विल पावर, जो आप करना चाहते हैं अगर आप उसको करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए, एक बार फिर से आपसे ये कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।